देर रात मोटरसाइकिल तलाश करने पहुंची भागलपुर के जीरो माइल थाना की पुलिस पर अपराधियों ने हमला कर दिया। 20 से 25 की संख्या में घेर कर अपराधियों ने जमादार कुमोद कुमार और 3 पुलिस के जवान को रॉड और लाठी डंडे से पीट कर घायल कर दिया और पुलिस पर हमला करते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को पीछे हटना पड़ा। थाना पहुंचकर जमादार ने थानेदार को इसकी सूचना दी, जिसके बाद ASP पूरन झा, बबरगंज थानेदार पवन कुमार सिंह, जीरो माइल थानेदार राजकुमार, तिलकामांझी थानेदार राजरतन, जोगसर थानेदार अजय कुमार अजनबी बैकअप के लिए जीरो माइल थाना पहुंचे और पुलिस लाइन से अतिरिक्त फोर्स बुला लिया गया। इसके बाद ASP के नेतृत्व में देर रात गोपालपुर गांव में छापेमारी अभियान चलाकर अपराधियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, लेकिन सभी अपराधी तब तक फरार हो चुके थे। पुलिस अपराधियों द्वारा चुराए गए बाइक को जब्त करते हुए जीरो माइल थाना ले आई। पूरे मामले में जख्मी ASI ने बताया कि वे सभी जब गोपालपुर गांव पहुंचे तो अचानक अपराधियों ने पुलिस पर लाठी डंडे रॉड से हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया। अंधेरे में लगातार हो रहे पत्थरों से बचने के लिए पुलिस के जवान भाग खड़े हुए, जिसके कारण अपराधियों ने घेर कर उनके साथ मारपीट की। पुलिस लगातार अपराधी और पुलिस पर हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान चला रही है। वहाँ पर जैसे बोले कि इसकी मोटरसाइकिल कौन रखा है, वो सब पहले से घात लगे ले था 25 आदमी से, एकदम लाठी देना शुरू कर दिया। आप लोग को भी मारा है? हमने मारा। कहाँ मार रहा था? तो ये कहाँ पता चला? तो कुछ मौका कहाँ दिया बोलने? आप अकेले था वो लोग? तो 25 आदमी था, महिला लाठी सबके पास में लाठी था, रड था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ ASI कुमोद कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर से BJP सांसद अजय निषाद ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने CM नीतीश कुमार पर हमला बोला है। BJP सांसद ने कहा है कि प्रदेश में कहीं भी सुशासन का राज नहीं दिख रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यह और भी मजबूत होनी चाहिए। BJP सांसद के इस बयान से BJP जदयू के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो सकती है। मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने यह भी कहा कि 2005 से CM नीतीश कुमार ही हैं, प्रदेश की कमान उन्हीं के हाथों में है। अभी बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है, पुलिस और प्रशासन से मिलकर इसको मजबूत करने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा कि CM के पास बहुत काम रहता है, अन्य लोगों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए, सभी काम वो तो नहीं कर सकेंगे। इसके लिए अलग अलग विंग बनाए गए हैं, सभी को दायित्व सौंपा गया है, जिनको जो काम सौंपा गया है उसका वे ठीक तरीके से निर्वहन करें, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। छपरा के एकमा से पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग का दावा करने वाली बिहार पुलिस का असली चेहरा सामने आ रहा है, जहां से एकमा SHO का गाली देता वीडियो वायरल हुआ है। फरियादी के साथ वह नॉन स्टॉप गालियों की बौछार करते नजर आ रहे हैं। शायद उन्हें किसी बात का डर नहीं, क्योंकि पूरा पुलिस महकमा उन्हीं का जो ठहरा, इसलिए वीडियो बनाने की बात पर भी रौब झाड़ रहे हैं। वीडियो में गाली देते हुआ पुलिसकर्मी एकमा थाने के प्रभारी राजेश चौधरी बताए जा रहे हैं। वायरल वीडियो फरियादी जानकी देवी के पुत्र द्वारा बनाया गया है। वीडियो बनाए जाने को लेकर पूछे जाने पर युवक ने बताया कि उसके पड़ोस के रहने वाले के साथ बिजली के तार को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसमें उसकी मां के साथ मारपीट की गई थी और उन्हें जख्मी कर दिया गया था। इसी संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए मां के साथ गया तो थाना प्रभारी मेरे साथ अभद्रता से पेश आए और गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद मैंने मोबाइल से वीडियो बना लिया। इसमें आगे की कार्रवाई के लिए मैंने पुलिस अधीक्षक सारण को आवेदन दिया है। बिहार के उद्योग मंत्रालय के अधीन भागलपुर का रेशम एवं वस्त्र संस्थान कभी एशियाई देशों के लिए नूर हुआ करता था। 1922 में स्थापित और 1978 में पुनर्गठित रेशम एवं वस्त्र संस्थान में एक बार फिर से जान डालने और सिल्क की खोई चमक को वापस लाने के लिए भागलपुर पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन लगातार कवायद कर रहे हैं। इसी कड़ी में शाहनवाज हुसैन नाथनगर के चंपानगर स्थित रंगाई बुनकर कारखाना, उद्योग केंद्र और रेशम संस्थान का हाल जाना और रेशम संस्थान के कर्मियों से संस्थान की विशेष जानकारी मिली। उद्योग मंत्री ने कहा कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाओं के बीच टेक्सटाइल उद्योग की भी प्रबल संभावना है, खासकर भागलपुर के रेशमी मखमल मुलायम कपड़े की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज भी है। बुनकर के हुनर को निखारने के लिए सिल्क संस्थान को दुरुस्त कर डिग्री स्तर की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। उद्योग मंत्री ने कहा कि भागलपुर से मेरी पहचान है और इस पहचान में सिल्क जान डाल देगी। जल्द ही यहाँ पर जितने
एम्प्लाई कम है उनकी भर्ती पूरी की जाएगी। प्लस यहाँ पर ये संस्थान जिस उम्मीद से बना था उस पर पूरी तरह खड़ा उतरना है, एक बड़ा प्रयास है। और जब भी बुनकर के लिए नीतीश कुमार जी के दिल में बहुत जगह है, पहले भी वो कई बुनकर की पंचायत कर चुके हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन हम ऐसा माहौल बना रहे हैं कि बुनकर को मार्केट में जो खादी मॉल हमने पटना में बनाया उसी तरह का हर कमिश्नरी में बनाएंगे ताकि उनको एक मार्केट भी मिले। अभी तक उनके पास कोई मार्केट नहीं है, घूम घूम कर औने पौने भाव में कई बार वो कपड़ा में लागत लग भी जाती है, निकलती नहीं है। तो उसके लिए हम जो खादी मॉल है उसमें बुनकर को मिला के परचेस की कमेटी बनाएंगे और बुनकर का सामान वहाँ पहुँचे। बिहार के बड़ी ताकत है, हम जो टेक्सटाइल पॉलिसी लाने जा रहे हैं, टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी, उसमें हैंडलूम हैंड और हैंडीक्राफ्ट का भी ध्यान होगा, यानी जो छोटे जो यूनिट होगा उसकी भी चिंता हम लोग करने वाले हैं उस पॉलिसी के तहत। तो देखिएगा बहुत मूल चूल परिवर्तन एनडीए सरकार के जमाने में होगा। भागलपुर सांसद अजय मंडल के घर से कुख्यात अपराधी कपिल यादव के गिरफ्तारी होने और लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा सरकार और सत्ता पक्ष के नेताओं पर अपराधियों को संरक्षण दिए जाने को लेकर जुबानी हमला तेज कर दिया है। इस दौरान सांसद अजय मंडल का बचाव गोपालपुर से जदयू विधायक गोपाल मंडल करते दिखे और उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि से मिलने कोई भी आ सकता है, सांसद अपने क्षेत्र से आए मतदाता से मिले, उन्हें यह नहीं मालूम था कि वो अपराधी है। जदयू विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर लोजपा नेता पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने की बात करते हुए चिराग पासवान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि चिराग ने अपने बंगले में खुद से आग लगा लिया है, वह अपने पिता के पैसे को उड़ा रहा है, उसकी कहानी अब समाप्त है। विधायक ने आगे कहा कि पशुपति पारस अच्छे नेता है। साथ ही नरेंद्र कुमार नीरज ने बताया कि इस बार इस्माइलपुर के लोगों को बाढ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा, वे बांध बना रहे कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट में है, बांध मजबूत बनाया गया है, किसी भी सूरत में इस्माइलपुर को डूबने नहीं दिया जाएगा। हम तो क्रिमिनल विरोधी है, रंगदार विरोधी है और सामंतशाही विरोधी, तीनों विरोधी ऐसे जगह पर थोड़ा है। तीनों का विरोध करना हमारा काम है, क्रिमिनल के अति में पैरेलल में चलना, उसे टकराना, गुंडागिर्दी को बंद करना, रंगदारी को बंद करना, और सामंतशाही जो हर जाति में है सामंत लोग उसका विरोध करना, नहीं तो हमारा सर तब तो जगह पर आया है। वही सर, भागलपुर में एक सांसद के घर में एक अपराधी गिरफ्तारी हुआ है, लोग सत्ता संरक्षण कर रहे हैं, सत्ता संधारी लोग सत्ता ही अपराधियों को संरक्षण देते हैं। करता होगा, मतलब हम लोग ये मिले, अब कौन आया नहीं आया हम तो जानते हैं, जनता है। और सलाह 5 मीटर का फिरारी हो, फ्रेंच का दाढ़ी रखता हो, क्या क्या लगा के चलता है, मास्क तो हम लोग जान पाएंगे, हमरे यहाँ अरेस्ट कर लो, दोनों हम उसको रखते हैं। और चिराग पासवान कहता है कि जदयू में टूट होने वाली है, अब जदयू में चिराग पासवान की कहानी खत्म, मंत्री को ललन सिंह को मंत्री नहीं मिला। चिराग पासवान आ ही नहीं सकता है, राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं, वो अपने क्या कहते झोपड़ी में आग लगा दिया खुद, बाप के कमाई पर पानी फेर। चिराग पासवान देखिएगा, चिराग पासवान कहीं किसी उसका चाचा जो बने, चाचा योग्य आदमी है, नीतीश कुमार को जानते हैं, उनके माध्यम से मंत्री बन गए, वो समझदार है, रामविलास पासवान समझदार थे, मिलके चलते थे, उसका बेटा विचित्र हो गया। नीतीश के माध्यम से मंत्री बने, तब किन के माध्यम से, नीतीश कुमार का इशारा नहीं होता मंत्री बन जाता, नीतीश कुमार के द्वारा और आने वाले समय में ये नीतीश कुमार के साथ रहेगा। पानी नहीं, एकदम ठेकेदार के जो संवेदक है उस पर मेरा कड़ा निगरानी है, किसी भी परिस्थिति में पानी नहीं घुसे, हम लगे हम स्वयं अपना आदमी लगाए हुए हैं और हम कॉन्ट्रैक्टर के मतलब निकट में जो संवेदक कहता है उसके कॉन्ट्रैक्ट में हम रह, पानी बिल्कुल नहीं घुसे। इस बार इस्माइलपुर बाढ़ग्रस्त नहीं होगा? बाढ़ग्रस्त संजोग गांव गंगा मैया की कृपा अगर हो जाए तो कोरोना ही है। इस साल के अंत तक गांव की गलियां सोलर लाइट से जगमगाने लगेगी। पंचायत चुनाव समाप्त होते ही गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना को साकार किया जाएगा। इस योजना पर अमल करने के लिए एजेंसियों का चयन होने लगा है। पहले चरण में सोलर लाइट उत्पादक कंपनियों का चयन किया गया है। अब उन एजेंसियों का चयन किया जा रहा है जो गाँव में जाकर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगी। एजेंसियों का चयन ब्रेडा के माध्यम से किया जा रहा है। सोलर लाइट लगाने के लिए एजेंसियों का चयन दो स्तर पर हो रहा है। पहली एजेंसी वो होगी जो सोलर स्ट्रीट लाइट से संबंधित उपकरण का निर्माण करती है।
स्मार्ट मीटर अब लोगों का सिरदर्द नहीं बनेगा। उपभोक्ता मीटर का रिचार्ज करेंगे और तुरंत बिजली बहाल होगी। रिचार्ज के बाद बिजली के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दरअसल स्मार्ट मीटर वाले कुछ कुछ इलाकों से शिकायत आती है कि मीटर रिचार्ज के बाद बिजली के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। उपभोक्ताओं के बीच इसको लेकर परेशानी बनी है। इस गंभीर समस्या को देखते हुए बिजली कंपनी ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। कंपनी ने हाईटेक स्मार्ट मीटर को बदलने का निर्णय लिया है। अब स्मार्ट मीटर 4G होगा, जिसका नेटवर्क हाई स्पीड होगा और जिसमें 4G का सिम इस्तेमाल होगा। अब तक जो मीटर लग रहे थे उसमें 3G का सिम इस्तेमाल हो रहा था, जिसके कारण किसी किसी इलाके में नेटवर्क की समस्या बन रही थी। प्राथमिकता के तौर पर पहले उन इलाकों में मीटर बदले जाएंगे जहां 3G मीटर से नेटवर्क समस्या रहती है। उन इलाकों में 3G मीटर को बदलकर 4G मीटर लगाए जाएंगे। 4G मीटर का कुछ दिनों तक ट्रायल होगा। इसमें जिस कंपनी का बेहतर नेटवर्क मिलेगा उसका 4G सिम इस्तेमाल होगा। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के 62वें स्थापना दिवस के पूर्व स्थापना दिवस की थीम पर कोरोना का जंग हम है संघ के आधार पर कोरोना वॉरियर्स के सम्मान और टीकाकरण जागरूकता को लेकर सामूहिक दौड़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जागरूकता दौड़ विश्वविद्यालय स्टेडियम से प्रारंभ होकर तिलका मांझी स्थित TNB कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुआ। जागरूकता रेस को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता और विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भाग लिया और कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लड़ने में कसमें भी खाई। विद्या भारती के निर्देशन में पूरनमल बाजोरिया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत 4 वर्षीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम को लेकर 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन हो गया। कार्यशाला के दूसरे दिन 20 विभिन्न समितियों ने गहन मंथन कर नए पाठ्यक्रम निर्माण का कार्य पूरा किया। कार्यक्रम में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय के शिक्षाविदों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मारवाड़ी महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर गुरुदेव पुद्दार, SM कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आशा ओझा, डॉक्टर दीप्तांशु भास्कर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और शिक्षाविद मौजूद थे।